माइक उतारने के लिए हमने कहा कि भाई देखो लोगों को परेशानी होती है, परिसर के बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। हमने अपील की, सबने योगदान किया। मैंने कहा भी जितने माइक उतारे गए हैं हमारा प्रयास हो दोबारा ना लगे, और जो उतारे गए हैं ये विद्यालयों को दान दे दिए जाए। कल से लोग दान देना शुरू कर दिए। आज हम लोग जाते हैं, लोग सम्मान के भाव से क्यों देख पाते हैं? अगर मैं भी अन्यों की तरह करता लोग मुझे भी राह चलते हुए गाली देते ना। हम लोगों ने तो अपील की कि भाई सड़क पे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे, अलविदा की नमाज नहीं हुई, मस्जिदों में तीन तीन शिफ्ट में उन्होंने नमाज अदा की, एक अभिनंदनीय कार्य हुआ। अगर सरकार भेदभाव करती कि नहीं साहब इधर एक पक्ष करेगा दूसरा पक्ष नहीं करेगा, या माइक उतारने के लिए हमने कहा कि भाई देखो लोगों को परेशानी होती है, परिसर के बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, हमने अपील की, सबने योगदान किया। मैं कल से देख रहा हूं, मैंने अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मिलकर के एक वीसी की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। मैंने कहा भी जितने माइक उतारे गए हैं हमारा प्रयास हो दोबारा ना लगे, और जो उतारे गए हैं ये विद्यालयों को दान दे दिए जाए। कल से लोग दान देना शुरू कर दिए। लोगों को मालूम है कि यह एक तरफा नहीं है, सबके लिए समान रूप से लागू हो रहा है। और ऐसे ही मोबाइल फोन का मामला है या कोई भी इस प्रकार का मामला है, ये हमें सबके लिए लागू करना है, समान रूप से लागू करना है। प्रदेश की एक छवि बनानी है। जो लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश विकास में बैरियर है, इस छवि को हटाना है। उत्तर प्रदेश देश में विकास की का अग्रणी नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ेगा, इस छवि को आपके माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत करना है, और इसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एक विधानसभा सत्र के बाद संसदीय कमेटियां भी बनेंगे। संसदीय कमेटियों का काम एडवाइजरी होता है, और एक सरकार को या विभागों को सलाह के रूप में वे काम करती है। मैं बहुत बार देखता हूं बहुत सारी कमेटियां अधिकारियों को बुला करके आदेश पारित कर देती है। मुझे लगता है कि वह एक गलत परंपरा की शुरुआत होती है। हमें उसका ध्यान रखना होगा, अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के बीच में एक बेहतर समन्वय बनाना होगा। और जब भी ये समन्वय में कहीं कोई दिक्कत आएगी तो बाद में संकट खड़ा होगा। तो कोई भी ऐसा कार्य हम लोग न करें कमेटी की से जुड़े हुए, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि बहुत सारी जगह ऐसे ऐसे आदेश पारित किए गए हैं कि मैं देख के झोंकता हूं, क्योंकि मुझे इस देश की संसदीय कमेटियों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, और मैंने उन चीजों को देखा है कि कमेटियों के अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं। हमें उन चीजों को देखना होगा। कहीं भी किसी को हमारी योग्यता पर, हमारी क्षमता पर, या किसी न्यायालय को हमारी कार्यपद्धति पर उंगली उठाने का अवसर न मिले, क्योंकि जो विधानसभा की कमेटियां होंगी एक मिनी विधानसभा होती है, उसके पास पावर वही है जो विधानसभा के पास पावर होती है, लेकिन अपनी ताकत का बेजा दुरुपयोग भी नहीं होने देना चाहिए। वह अपनी सलाहकार की भूमिका के रूप में ही अच्छी सलाह उपलब्ध करवाएंगे तो अच्छा उसका संदेश जाएगा। यह जो प्रबोधन का कार्यक्रम चला है, आपके पास नियमों की पुस्तिकाएं मिली होंगी, हम एक बार उसको देखेंगे। विधानसभा में पुराने सदस्य कैसे नियम के अंतर्गत अलग अलग परफॉर्मा होंगे, उसके अंतर्गत कैसे उस प्रक्रिया को फॉलो करके अपनी बात को रख रहे हैं, कैसे हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, अगर हम थोड़ा भी एक बार उसमें अभ्यास कर लेंगे, आप देखना एक दो सत्र के अंदर ही नए सदस्य पारंगत हो जाएंगे, और फिर पारंगत ही नहीं होंगे, आप पुराने सदस्यों को भी इस मामले में बेहतर सलाह देने की स्थिति में हो सकते हैं। और बेहतर सलाह इस बात को लेकर के कि देखिए आप जो है इसमें इस रूप में आपने किया, लेकिन आपको इतना ही समय लेना चाहिए था, लेकिन आपने ज्यादा समय ले लिया, आप इसको और प्रभावी ढंग से बोल सकते थे, इसकी प्रभावशालिता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते थे, बहुत सारे सुझाव आप उसके माध्यम से दे सकते हैं, और उस प्रक्रिया के साथ अगर हम जुड़ पाए, हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और फिर अंततः मैं आप सबसे ये अपील करूंगा, देखिए जनता ने बहुत विश्वास के साथ आपको चुना है, बहुत विश्वास के साथ चुना है। 25 करोड़ जनता में 403 बिरले सदस्य ऐसे हैं जिनको जनता ने अपना लीडर मान करके
चुनाव जिता करके यहां भेजा है, और उन 403 का दायित्व बनता है कि उन जनपेक्षाओं पर हम खरा उतर सके। खरा उतरने के लिए जनता के साथ सीधे संवाद हमारा होना चाहिए। विधानसभा सत्र के बाद जब भी आपको अवसर मिलता है, कमेटियों की बैठकों को छोड़ करके या कोई विशेष सत्र को छोड़ करके, या जब आप अपनी विधानसभा से जुड़े हुए कार्यों को देख करके यहां पर आते हैं, उस समय को छोड़ करके जब भी आप अपने घर में हों, जनता से जरूर मिले। एक समय तय कर लीजिए, पूरी प्रक्रिया को टाइम टेबल तय कर लें अपने पूरी प्रक्रिया का। देखिए हम लोग भी अपना तय कर रहे हैं, सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक मैं और हमारे सभी मंत्रीगण लखनऊ में रहेंगे, अगर कोई विशेष कार्य नहीं है तो लखनऊ में हम उपस्थित रहेंगे, और शुक्रवार शनिवार रविवार को हम लोग भी फील्ड में रहेंगे, अलग अलग जनपदों के दौरे पर रहेंगे। जनपदों के दौरे के दौरान हम लोग जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे, जनता से भी मिलेंगे, विकास के भौतिक कार्यों का सत्यापन भी करेंगे, समीक्षा बैठकें भी करेंगे। आपको अपनी बात जो भी करनी है मंत्री के साथ अलग से बैठक करके अपनी बात को रखें। समीक्षा बैठक के दौरान आरोप प्रत्यारोप एकदम बंद होना चाहिए, उसकी गरिमा रखनी चाहिए, और अगर आपको आपको लगता है कोई व्यक्ति गलत है, कोई गलत काम कर रहा है, उसका अलग से जब बैठते हैं उस दौरान अपनी बात को शालीनता के साथ रखें, फलाना व्यक्ति गलत है, फलाने व्यक्ति के बारे में आप एक बार जांच करवा लें, देख लें। लेकिन जब आप बैठक के दौरान, समीक्षा बैठक के दौरान इस प्रकार के मुद्दों को उठाते हैं, माहौल वहां का बड़ा विषाक्त तो होता है, और जो फोकस पॉइंट होते हैं उससे ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। हमें इस चीज को हमेशा ध्यान रखना होगा, और इसलिए सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए यहां पर मैं भी, दोनों डिप्टी सीएम भी, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण भी यहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन अच्छा होगा पहले से समय लेकर के आप मिलेंगे तो आसानी से आपको समय मिल जाएगा। दूसरा, शुक्रवार से लेकर के रविवार तक 3 दिन तक फील्ड में किसी न किसी जनपद में कोई ना कोई मंत्री विभागीय कार्य से सरकारी दौरे के तहत वहां पर रह करके जनप्रतिनिधियों के साथ भी और अन्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे। मैं विधानसभा के अपने अध्यक्ष महोदय से भी और विधान परिषद के अपने सभापति महोदय से भी इस बारे में अनुरोध करूंगा कि हमारा प्रयास हो कि जो विधानसभा की कमेटियों की बैठक भी हो वह मंगलवार या बुधवार के ही दिन हो, जिससे माननीय विधायक जब आए तो उस दौरान वे कमेटियों की बैठक में भाग ले सकें, और यहाँ पर किसी मंत्री से या किसी से मुलाकात करनी हो तो उस दौरान मुलाकात करके फिर अपनी विधानसभा में वापस जा सके। एक प्रक्रिया के साथ हमें उसको जोड़ना पड़ेगा, जिससे उनकी जनप्रतिनिधियों की भी सुविधा हो सके, मंत्रियों की भी सुविधा हो सके, वे अपनी बात को लिखित रूप से वहां पर प्रस्तुत भी कर सके। ये कुछ चीजें होती हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देना होगा, और उस प्रक्रिया के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में, एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी छवि जीवन पर्यंत आपका साथ देगी। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि की छवि पर कहीं कोई डेंट आया तो आपके लिए जीवन पर्यंत वह एक अभिशाप बन करके भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, और मुझे लगता है कि अच्छे ढंग से शालीनतापूर्वक प्रभावशाली तरीके से विधानसभा के सत्र में भाग लेना, प्रोसीडिंग की कार्रवाई में भाग लेना, अध्यक्ष महोदय भी तय कर चुके हैं कि नए सदस्यों को हम मौका दें, बोलने का मौका मिलना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। पहले भाषण करें तो लिखित भाषण आप लेकर आएं, एक पेज का भाषण लेकर आएं, 3 मिनट 4 मिनट में अपनी प्रभाव से भाषण, घर में भी कुछ बोलने का अभ्यास करें। खन्ना जी तो जब बोलते थे तो कोने में खड़े होकर के भाषण करते थे, लेकिन आज अच्छे ओरेटर हैं, अच्छा भाषण करते हैं, घंटों बोल सकते हैं। आपको भी थोड़ा घर में पड़ा अभ्यास करिए, फिर आइए बोलिए, लिखित पहला भाषण लिखित बोलिए। संसद में पहला भाषण जो होता है लिखित पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद कागज देख करके आप केवल पॉइंट, कोई बुलेट पॉइंट हो तो उसी को आप बोल करके पढ़ सकते हैं, शेष नहीं पढ़ सकते। और हमारा अभ्यास प्रयास होना चाहिए कि विधानसभा में भी जब आपका भाषण हो, अभ्यास करके कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। एक अच्छे विधायक के रूप में आपकी छवि बनेगी,
जन अपेक्षाओं पर आप खरा उतरते हुए दिखाई देंगे और जनता आपको अपना नेता मान करके बार बार आप पर विश्वास करेगी। यह जो है हमें करके दिखाना है और इस दृश्य प्रबोधन का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस प्रबोधन के कार्यक्रम के साथ आप जुड़े, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन आज हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सबकी ओर से माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।